जिसमें भविष्य में किसी काम को पूरा करने की फुल गारंटी और निश्चित होगा कि हमने ये काम कर लिया। तो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो गा ये गी आता है, ये गा ये गी, ये इस टेंस की क्या है? पहचान है। इस टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? सब्जेक्ट प्लस, दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस विल, प्लस इसमें बीन जुड़ जाएगी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब मान लो बात, इसमें हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। अब मान लो बात, यहां पे जैसे आई आया हो, वी आया हो, तो इनके साथ क्या लगेगा? सेम बीन, ठीक है ना। ईटन आर मैंगो, इसकी हिंदी क्या होगी? अगर इसकी हम आई की बात करें तो मैं एक आम खा चुका होऊंगा, और वी के लिए क्या हो जाएगा? वी सेल, मतलब हम एक। अब यहां पे जब वी की बात आएगी तो फिर हमें ये नहीं लगना चाहिए, वी के साथ एक आम को थोड़ा ना खाएंगे। अगर हम वी का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एक हटा देंगे, और अगर आई है तो फिर एक लग जाएगा। ध्यान रखना, अगर क्या है कहां पर इतना क्लियर हो गया? अच्छे से समझ लो, अगर आई है तो यहाँ पे ए लगेगा, और अगर बी है तो यहाँ पर फिर ए नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं, क्या है? सी है, ही है, इट है, और भी ठीक है। हाँ, और चलो आगे बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा नहीं करते हम लोग। इतना क्लियर हो गया ना, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। हम अब देखते हैं, अभी क्या क्या रह गया है? दे रह गया है, यू रह गया है, ही रह गया है, सी रह गया है, इट रह गया है, और नेम रह गया है। अगर ये हो सब के सब तो इनके साथ क्या लगेगा? विल, बी, ईटन, ठीक है ना। अब यहां पे भी वही स्थिति है, ईटन मैंगो। अब यहां पर समझ लीजिए आप लोग, अगर दे है और यू है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, एक इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दे तो ऐसे ही बहुवचन है, यू सिंगल भी हो सकता है और तू मतलब और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। ही आप ही के साथ लगा सकते हैं कि वह एक आम खाता है, मतलब वह एक आम खा चुका होगा। सी के साथ भी आप लगा सकते हो। तो इसके लिए हम कैसा बनाएंगे इसको? इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो इसके साथ नहीं लगेगा, इनके साथ अगर हम बना रहे हैं इनके साथ, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? विल, बी, ईटन, आर, मैंगो, हमने ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। जैसे यहां पर आई, आई सेल बीन ईटन आर मैंगो, और अगर यहां पर बी होता, बी सेल बीन ईटन, यहां पे ईटन नहीं लिखा था, ईटन मैंगो, उसी स्थिति में साथ एस भी लग सकता था, मैंगोस, क्योंकि बहुत सारे हैं तो एक आम थोड़ा ना खाएंगे, बहुत सारे आम नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक।